आप समझ लीजिए कि शराब कितनी खतरनाक चीज है। और जब ये चीज आपके अंदर घटित होती है तो आपका जो ऑर्गन जिसमें कि गर्मी इकट्ठी हो जाती है वो इस कदर तप्त हो जाता है कि आपका कार्य तो सब खत्म हो ही जाता है, उस ऑर्गन का सारा कार्य तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन थोड़े दिन में आप भी गलने लग जाते हैं और आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको उसकी गर्मी जो महसूस नहीं होती है इसलिए आप उसको पीते ही रहते हैं, उसकी कोई तकलीफ नहीं होती और उसका मजा आते रहता है तो आप उसी चक्कर में घूमते रहते हैं और इसी कारण ये चीज बनती जाती है। अंत में जाकर के जब हालत बहुत खराब हो जाती है तब पता हुआ कि किसी रास्ते के किनारे पड़े हुए हैं बड़े भारी साहब, कोई नेता साहब थे, वो औंधे पड़े हुए हैं किसी नाली के अंदर में। लोग कहते हैं चलो शराबी का मर्ग खत्म कर, पर तो भी थोड़े घिसले तो साले का माता जी पर सहजयोग का इलाज और है। जब कुंडलिनी ऊपर छेद करके ऊपर चली जाती है तो पी नहीं सकते आप, मुश्किल काम है। कर पियोगे तो उल्टी होगी, थोड़ा उसी वक्त चक्कर आएंगे तुमको, अपने आप से छूट जाएगा। अगर ये नहीं हुआ और तुमने जबरदस्ती और पीना शुरू किया तो वाइब्रेशन तुम्हारे छूट जाएंगे, उसके बाद यहाँ आकर मेरे जान को लगोगे मैं इतने दिन से सहयोग कर रहा हूं मेरे वाइब्रेशन छूट गए। जब तुमको कोई चीज को मना किया है तो उसको और भी जबरदस्ती करना चाहिए, ये भी मनुष्य का स्वभाव है। अगर कहा जाए बेटा नहीं पियो, अरे उससे ये हो जाता है, तो उसको डबल करना ही चाहिए। उसका उदाहरण है मुसलमान लोग, जितनी शराब मुसलमान पीते हैं, जबकि मोहम्मद साहब एकदम मना करके गए थे लंदन में, उनके मुकाबले में सिर्फ अपने सिख भाई बैठ सकते हैं जिनको नानक साहब एकदम मना करते हैं। ये लोग जितनी शराब पीते हैं उनके आगे तो अंग्रेज भी साष्टांग है। उधर सिखों ने अभी झगड़ा खड़ा किया कि हम सर पे वो घमेला नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम उस पे जाते हैं बाइक पे तो घमेला नहीं पहनेंगे, उसके लिए जलूस निकाले फलाने किए। वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए थे, ऐसे कह रहे माता जी इनका क्या इलाज है। मैंने कहा उनसे जरा पूछो कि तुम्हारे इसमें क्या मना, किस चीज को मना किया है। हर तरह की किसी भी मादक चीज को पूरी तरह से जहां मनाई की है वहां वो घमेले नहीं पहनने से क्या आप सिख हो जाएंगे। लेकिन इस तरह पीते हैं लोग विथ वेंजेंस जिसे कहते हैं, और वो लोग पीते हैं जिसे उस चीज की मनाई है। मुसलमानों को बुरी तरह से मना किया गया, जूस को क्योंकि मोजेस ने वो धर्म शुरू किया था इसलिए उसने भी मना किया हुआ, और अपने हिंदुओं को तो भाई जो भी करो फ्रीडम है। तो मुझे एक साथ कहने लगे कि सोमरस पीते थे देवता। मैंने कहा क्या वो राक्षस थे क्या जो शराब पीते थे, उसका नाम मदिरा है सोमरस नहीं। किसने बताया कि सोमरस का मतलब शराब है, किस हिसाब से लगाया आपने। सोम का मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा यही चंद्र नाड़ी को कहते हैं जो लेफ्ट साइड में है, और इसका रस क्या है यही जो आपके हाथ से बह रहा है, इसका नाम सोमरस हो गया। देवताओं को ही पीने का था, जो देवता हो गए माने जो पार हो गए उन्हीं को ये सोमरस पहने पीने की व्यवस्था थी, और जो अश्विनी कुमार जो वैद्य थे उनके लिए तक मनाही थी कि तुम नहीं चलो, क्योंकि तुम वैद्य हो, तुम बिजनेस करते हो, तुम अपने दवाइयां बेचते हो तो तुम्हें नहीं मिल सकता। उसका अर्थ उन्होंने यह लगाया कि पहले देवता लोग शराब पीते थे, तो भगवान ने बचा रखे, संसार का काम कैसे होगा, सब लोग साइड पे ही चले जाएंगे। देवता लोग कोई हमारे जैसे पागल नहीं है,
वो लोग जीवित अत्यंत विशेष व्यक्तियां हैं जो इन चक्रों में स्थित हैं। मनुष्य अपने दिमाग से ही देवता भी बना लेते हैं और उनको भी अपने जैसा बना लेते हैं। समस्त हिंदुस्तान ने इतना ज्यादा नहीं किया है, किया तो सब कुछ लेकिन चला नहीं, किसी ने माना नहीं। पर ग्रीक भगवान को देखिए तो उन्होंने सबके नमूने बना के रखे हैं। उन्होंने सोचा देवता ही को ऐसे बना दो तो हमारा जो सारा कारोबार है वो आराम से चलते रहेगा। हम कहते थे देवता ही पीते हैं, देवताओं ने ये धंधे करे हैं तो हमें क्या हर्जा। इसीलिए मैं कहती हूँ ये भारत भूमि एक योग भूमि, कितना भी आदमी गधा बन जाए लेकिन इसकी धूरी नहीं बिगड़ती। आदमी ये समझते रहता है कि ये मूर्खता है, हालांकि मैं मूर्खता की बात कर रहा हूं पर ये मूर्खता। पर परदेश में लोग मूर्खता करते हैं और सोचते हैं बहुत ही उन्होंने अकल की बात की, तब मुझे समझ भी नहीं आता है कि उनसे कैसे बताना चाहिए इसे मूर्खता हम लोग समझते हैं। हाँ कर लेते हैं, यहां से जो अंग्रेज बनने जाते हैं थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन वो जानते हैं कि ये मूर्खता। ये जो हमारे अंदर 10 धर्म बताए हैं उसके बारे में मैं अधिक नहीं बताऊंगी, लेकिन बाइबल में इसे 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। अपने यहाँ भी गांधी जी ने 11 व्रत बताए हैं, उसमें से एक व्रत उन्होंने कहा स्वदेशी उन्होंने जरूर लगाया था। उस जमाने में स्वदेशी पहनने की बहुत ज़रूरत थी, उन्होंने कहा था स्वदेशी, स्वदेश में जो बनता है उसको पहनो, इसलिए वो 11 व्रत उन्होंने बनाए। वही 10 व्रत है, वही 10 व्रत अनेक बार बताए गए और कोई भी कठिन नहीं है, सबसे आसान। अब शराब पीना है तो कोई छोटा काम तो नहीं, बड़ा महंगाड़ा काम है साहब, और इतनी आफत है उसकी मैं आपसे बता नहीं सकती। हम जब यहाँ बम्बई में रहते थे तो हमने तो साहब से मना किया था कि घर में कोई आए चाहे उसको शराब देना ही नहीं, हमारे बच्चा नहीं, हमारी हालत खराब हो जाती शराब को देख के। तो कहने लगे कि हाँ ठीक है, जब लंदन गए तो कहने लगे कि यहाँ तो सब डिप्लोमैट्स आएंगे, तो मैंने कहा एक कमरा इन शराबी कबाबियों के लिए बना दो, उसमें शराब रखो। आपको आश्चर्य होगा कि शराब के सिर्फ वो जो टम्बलर्स आते हैं वही कोई 1,000 पाउंड के खरीदने पड़े, उसके ही नमूने होते हैं, फिर उसका सरदर्द होता है, फिर उसकी आफत, फिर कोई शराब पी ले तो कभी कोई ऐसा खींचता है हाथ तो कोई ऐसा खींचता है, शेक हैंड करना मुश्किल। यानी जो सबसे कठिन चीज है उसको हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही आसान, और जो सबसे आसान है कि पियो ही नहीं सारे प्रॉब्लम था, पी करके क्या मिलता है ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। किसी दिन आप लोग इधर आकर के मैं उधर बैठूंगी, मुझे समझाइएगा। इसी प्रकार सिगरेट के लिए मना, तंबाकू क्या है, इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने की बीमारी दवा, इंसेक्टिसाइड। अब आपको विश्वास नहीं होगा मैं गंतूर गई उस साल, मैंने सबसे कहा कि तंबाकू यहाँ काय को लगा के रखी है तुमने, कल हम तो परदेश बेचते माता जी, अपने देशवासियों को नहीं बेचते, हम तो बड़े धर्म वाले, हम पीते नहीं है परदेश को बेचते। मैंने कहा ये पाप नहीं क्या, परदेश को बेचते तो कोई पाप नहीं है, चले इसमें क्या पाप है, हमारे भाई बहनों को तो हम नहीं पिलाते बाहर भेज रहे हैं। मैंने कहा देखो बेटे उसको खत्म करो, नहीं तो देखो ये समुद्र आकर खा जाएगा तुम लोगों को। समुन्दर जो है वही वो गुरु तत्व है, वही धर्म सिखाने वाला गुरु है जो ये चीजें करेक्ट कहता करते रहता। मैंने कहा कि देखो समुद्र के किनारे पे संभल के रहना, अगर ये बिगड़ जाए तो सारी तुम्हारी जमीनें खत्म हो जाएंगी। वहां दो ही चीज मैंने गुंटूर में देखी, एक तो देखा कि बुरी तरह से वहां ये इसके लगाए हुए थे तंबाकू के पेड़ हर जगह, और इसके किनारे पर कुछ आदिवासी लोग बैठे हुए थे और वो खूब काली विद्या और दुनिया भर की विद्याएं करते बैठे हुए। दो तरह के लोग थे, एक तो खूब तंबाकू लगा रहे थे और एक लोग जो है वो एक अजीब तरह का वहां पर खेल कर रहे थे। मैंने कहा कितना अंधेर है, मेरे 2-3 टेप में बात है, मैंने उनसे कहा था कि देखिए ये खत्म करें। उन लोगों ने बड़ा उसको बुरा माना, उसके बाद जब मैं चली आई तो मेरे को चिट्ठी भी नहीं लिखी, बहुत मेरे से गुस्सा हो गया। लेकिन दूसरे साल समुद्र बिगड़ा और जहां जहां इन्होंने तंबाकू लगाई
वो सारी जमीन ही खारी कर डाली, खत कर दी। कोई इंसेक्टिसाइड अगर स्मोक करे, उसको धुआं ले अंदर, तो क्या होता है? धर्म में पहले देखें, ये स्थान जो विशुद्धि का है, आज देखिए बहुत कम लोग खास रहे हैं, आपने इस बात को नहीं नजर दिया, कल बहुत खास रहे। ये जो विशुद्धि का स्थान है, जहाँ श्री कृष्ण साक्षात विराजते हैं, जहाँ हमने गर्दन उठाई तब हमने ये जाना कि हम कोई बड़े भारी विराट के एक अंग प्रत्यंग हैं। इस जगह, इस विशुद्धि चक्र पे जब हम स्मोक करते हैं, तो इस विशुद्धि चक्र में जो धुआं जाता है वो श्री कृष्ण को मंजूर नहीं, इसलिए वो वहां सो जाते हैं। इसके साथ में 16,000 नाड़ियां बनी हुई, जिसकी मेन 16 सबप्लेक्सस है, जिसे ईयर, नोज, थ्रोट, माउथ, फेस, दांत, कान, कपाल और आंख का बाहर का हिस्सा, ये सब कुछ उसे चलता है। अब आपने एक दो पैसे की सिगरेट पी, उससे वहां श्री कृष्ण नाराज हुए और आपकी सारा ही चेहरा बदल गया, सारे ही मुंह की रौनक बदल गई, सारा मुंह का तेज उतर गया, आंखें धुंधला गई, सब तरह की तकलीफें एक इस दो पैसे के सिगरेट से हो सकती है। इतना ही नहीं, एक बुरी तरह की चीज यहां जम सकती है जिसका नाम कैंसर है। एक तरह से कैंसर के आने से भी अच्छा ही हुआ कि लोग जागरूक हो गए। सहयोग में जब कुंडलिनी इस चक्र को छेद जाती है, उसके बाद आप नहीं स्मोक कर सकते, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। एक साहब सिंगापुर में बहुत स्मोक करते थे, मुसलमान थे वो, जब मेरे पास आए और जब उसके बाद पार हो गए, तो उनके अंदर एक बड़ी गुगुल की, गुगुल आप जानते हैं एक तरह का इंसेंस होता है, उसकी खुशबू आने लगी, बहुत खुशबू आई, सारे कमरे में खुशबू आने लगी। उसके बाद वो जब भी सिगरेट मुँह में लगाए तो उनके खुशबू आने लग जाए, उनकी सिगरेट छूट गई। उसके बाद उनकी बीवी भी, जो बहुत विरोध में थी सहयोग के, वो भी सहयोग में आ गई। इसमें सिर्फ इतना ही है कि जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और यहां जब प्रकाशित करती है, तो श्री कृष्ण जागृत हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई सिगरेट पीने की कोशिश करे, तो उस दर्शन चक्र चलाते हैं फिर अपना। और आप भी अपने को देख करके समझते हैं कि वाह मियां, अब आपका क्या हाल हो रहा है। मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो नाभि चक्र है, ये आपको सस्टेनेंस देता है, उत्क्रांति की शक्ति देता है, और इसमें श्री विष्णु जी का स्थान है। श्री विष्णु जो है, वो हमारे अंदर सस्टेनेंस देते हैं। विष्णु जी कोई हिंदुओं के, मुसलमानों के भगवान नहीं, वो परमात्मा का वो स्वरूप है जिसके कारण हमारे अंदर उत्क्रांति होती है और उनका स्थान यहाँ पर नाभि चक्र में होता है। विष्णु जी की बात मैं कर रही हूँ, उसी के साथ साथ मैंने आपसे मोहम्मद साहब की भी बात कही कि जो साक्षात दत्तात्रेय के अवतरण थे, और दत्तात्रेय अनेक बार इस संसार में गुरु स्वरूप में साक्षात उतर के आए हैं, जिनके मैंने आपको नाम बताए थे, जो इस भवसागर में, इस विराट के भवसागर में बसे रहते हैं और जो हमारे धर्म को बचाते हैं, जो हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान ये नहीं है, इसका मतलब है हमारे सस्टेनेंस पावर की वो रक्षा करते हैं, उसको हमारे अंदर स्थापित है। वो सब एक ही चीज है, जो मोहम्मद है वही नानक है, दो चीज नहीं है। नानक साहब ने एक बार कही दिया इस बात को, एक बार नानक साहब पांव करके बैठे थे, हम लोग ये भी भूल गए हैं शायद कि नानक साहब इस संसार में इसलिए आए थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो। मतलब जब मोहम्मद साहब इस संसार में चले गए, तो उन्होंने देखा कि ये बेवकूफ आपस में लड़ रहे हैं,
इसलिए वो इस संसार में आए लोगों को समझाने के लिए कि मुसलमान भी वही है और तुम भी वही हो, तुम एक करो। उस वक्त जब वो लेटे हुए थे तो किसी ने कहा कि आपके पैर तो काबा की तरफ हो रहे हैं। तो उनका अच्छा चलो मैं पैर हटा लेता हूँ। फिर दूसरों को भ्रम हुआ, उनका भाई ये भी तो काबा ही की तरफ पैर हो रहा है, इसका क्या मतलब जिधर आप पैर कर रहे हैं उधर ही काबा हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि काबा जिसके पैर में पड़ा है वही नानक साहब। ये सब बातें हम तो भूल गए, अखंड पाठ पढ़ते पढ़ते हम ये भूल ही गए कि वो क्या कह गए हमको। अब उनकी सबकी हालत ठीक होने वाली है जो अपने को मुसलमान है। मैंने तुमसे पूछा तेहरान में कि तुम में से कितने मुसलमान हैं मेरे सामने खड़े हो, मैं देखती हूँ। बहुत से अरब आते हैं लंदन में, कहा तुम में कितने मुसलमान हैं मेरे सामने खड़े हो जाओ, सब आपस में देखते हैं। मैंने कहा तुम में से कितने हो जो कि मुसलमान 5 मरतबा नमाज पढ़ते हो और 6ठी मरतबा शराब पीते हो? ये जो शक्ति धारणा शक्ति हमारे अंदर इन गुरुओं ने दी, जो हमारे पेट के अंदर में स्थित है, हमारा पेट है धार्मिक। इसलिए कहा जाता है कि बेटे सोच के खाओ, जहां भी जाते हो देख के खाओ किस तरह से किस विचार से ये खाना बनाया है, किसने बनाया है, किस प्रेम से बनाया है या नहीं बनाया है, इसका विचार करो। लेकिन इसका विचार हम नहीं करते हैं कि प्रेम से बनाया है या अप्रेम से बनाया। हम तो ये विचार करते हैं कि यह किसी हमारे जाति वाले ने बनाया है कि पर जाति वाले ने बनाया। उसके लिए भी उदाहरण रामचंद्र के हैं आपके सामने, इन्होंने शबरी के बेर खा। शबरी एक बुद्धि भीमनी औरत, आप ही सोचिए आप में से कितने हैं जो उसके जूठे बेर खा सकते हैं? कितने भी प्रेम से वो देंगे तो आप चुपके से पीछे फेंक देंगे ज्यादा से ज्यादा। इतना ही नहीं कि खुद खाया पर सीता जी से कहा कि ना 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 ना, मैं तुझे कुछ बेर नहीं देने वाला, ऐसा तो मैंने कभी मेवा खाया ही नहीं। लक्ष्मण जी को गुस्सा चल रहा था, पहले लक्ष्मण तुम जरा खा लो तो थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा। जिसने भीलनी के बेर खाए वो राम कहां गए? सुबह शाम राम राम करते हैं और जाति पाति का फिर विचार करके हम खाना नहीं खाते। और किस चीज का विचार करके हम खाना खाते हैं उसे अगर सोचा जाए तो हमें यह देखने में आता है कि हम प्रेम धर्म का विचार नहीं करते। धर्म सिर्फ प्रेम का ही है। अगर आपके पेट में प्रेम नहीं है तो आप में कोई सा भी धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म प्रेम का है, जिसको कि इन बड़े बड़े गुरुओं ने अपने अंदर बताया। और जब कुंडलिनी आपके नाभि चक्र में से गुजरती है तो आपके अंदर आलोकित हो जाता है वो प्रेम, और आप दूसरों के प्रति उस प्रेम से देखते। देखिए हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी माँ क्या करती, उसको ये चिंता होती कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, भाई मैं कैसे खाना खाऊँ, मेरा पेट अकुला रहा, अभी तक खाया नहीं, सुबह से गया है पता नहीं कहाँ रह गया, मेरा पेट अकुला रहा। उनका सर नहीं अकुला था, उनका पेट अकुला रहा है, पता नहीं क्या करूँ, मैं खाना नहीं खाती जब तक वो नहीं आएगा। जब मनुष्य का प्रेम कहीं परेशान होता है तो उसका खाना छूट जाता है। इसलिए धर्म में प्रेम का खाना खाइए। जो मनुष्य आपको प्रेम से खाना दे उसे स्वीकार करें। और प्रेम शक्ति ही सबसे बड़ी सस्टेनेंस पावर हमारे अंदर परमात्मा ने दी है। जितनी प्रेम की शक्ति मनुष्य के अंदर में है उतनी किसी भी जानवर में नहीं है। इस प्रेममय शक्ति को हम जागरूक न करके अपने को किस तरह से हर समय बर्बाद करते रहते, इसका अगर विचार हम लें तो हमारे समझ में आएगा कि अगर कुंडलिनी नहीं उठ रही है, हमारे अंदर अगर फैनेटिसिज्म है और हम एक ही धर्म को बहुत बड़ा रखते हैं तो कुंडलिनी नहीं उठती, मैं क्या करूं? अगर आप फैनेटिक हैं तो आपकी कुंडलिनी नहीं उठेगी, आपकी नाभि चक्र पकड़ेगा। अगर आप खाने के मामले में
फालतू की बातें सोचते हैं और प्रेम की बात नहीं सोचते तो आपकी कुंडलिनी नहीं उठे। अब एक और चक्र के बारे में बता करके मैं सिर्फ बाद में कल बताऊंगी और चक्रों के बारे में, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र करते हैं, जिससे हम विचार करते हैं, आगे का प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं। वो स्वाधिष्ठान चक्र चारों तरफ हमारे घूम करके और हर एक चीज़ को सृजन करता है, क्रिएट करता है। अब ये चक्र आजकल के ज़माने में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हर एक चीज़ का हम सुबह शाम तक प्लान ही करते रहते, माने फ्यूचर में जाने की बात। ये तो ऐसा ही हुआ कि रास्ता देखा नहीं है, पहले से आपने अपनी स्टेयरिंग व्हील मोड़ के रख दी। भाई पहले रास्ता तो देखो कैसा आ रहा है, जहाँ जैसे मुड़ेगा वहाँ चलो। पहले से प्लानिंग करने वाले लोग हमेशा डायबिटीज के बीमार हो जाते। हम लोग डायबिटीज एकदम ठीक करते, पर कल सब डायबिटीज वालों को मत ले आना, एकदम 100% ठीक हो सकता है। क्योंकि जो आदमी एक चक्र का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए बहुत ज्यादा करता है, उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। उसकी जो लेफ्ट साइड है वो वीक हो जाती है। लेफ्ट साइड में हमारे पैंक्रियाज है, हमारे स्प्लीन है, किडनीज है, वो सब सफर करते हैं। जो आदमी बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है उसको डायबिटीज हो सकता है, स्प्लीन की बीमारी हो सकती है, और उसको किडनी की बीमारी हो सकती है, उसको यूट्रस की भी बीमारी हो सकती है। क्योंकि यही चक्र है जो कि हमारे पेट का जो मेद है, जो फैट है, उसको सप्लाई करता है हमारे ब्रेन के लिए कि हम उसे इस्तेमाल करें हमारे सो कॉल्ड थिंकिंग और प्लानिंग। अब आप कहेंगे क्या माँ प्लानिंग नहीं करना थी? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल प्लान नहीं कर, क्योंकि प्लान करने वाला दूसरा है। तुम जितना प्लान करोगे उतना ही वो जीतेगा। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, बहुत सालों से हम लोग याद करते आ रहे हैं, संकल्प विकल्प करोति। लेकिन इसे विश्वास नहीं था माँ की बात में, कि माँ कह रही है कि प्लान मत करो, पहले परमात्मा को जान लो फिर उसके प्लान को भी जान लो। एक उदाहरण बताते हैं हमारे, अब चमत्कार ही है समझ लो। लंदन में एक मुसलमान थे अल्जीरिया के, जमील नाम था उनका, वो लंदन आए थे और बहुत बेचारे परेशान रहे। 6 महीने तक अपनी स्कॉलरशिप के लिए दौड़ते रहे, यूनिवर्सिटीज में उनको नहीं मिली स्कॉलरशिप, तो आए बड़े निराश होते कि माँ मैं जा रहा हूँ, अब मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ अल्जीरिया। उन्होंने 500 मुसलमानों को अल्जीरिया में पार किया हुआ है। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कहले मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कब जा रहे हो? कहले गुरुवार को। मैंने कहा रुक जाओ, मंगलवार को चले जाओ। उसने कहा कि माँ ने कहा तो फिर रुकना है? कहला हाँ मैं सब कैंसिल करता हूँ, मंगलवार को जाऊँगा। जैसे ही सोमवार को वो यूनिवर्सिटी में पहुँचे उनको मिल गई थी स्कॉलरशिप। दूसरे साहब हैं गविन ब्राउन, वो आने वाले हैं अभी, आप उनसे पूछेगा। उनको बेचारों के बड़ी पैसों की दिक्कत हो गई थी पहले, तो उनको एक बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन उनको सऊदी अरेबिया जाना था। उन्होंने आखिर कहा माँ नौकरी तो बहुत बड़ी मिल गई, लेकिन सऊदी अरेबिया जाने का मन नहीं करा। अब आप यहाँ हैं तो मैं तो आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया में नहीं जाना चाहता। तो मैंने कहा अच्छा बेटे जैसा तुम्हारा मन है। 2 दिन बाद आके कहा कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, वो तो नौकरी ही नहीं चली गई हमारी। हमने कहा चलो ठीक है, जो भगवान की इच्छा, जैसे रखूँ तैसे ही रहूँ। तो उसके बाद आकर के कहा कि कमाल है, यहीं पे मुझे उससे भी बड़ी नौकरी मिल गई है लंदन में। मैंने कहा लो, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी आप इच्छा करते हैं वही परमात्मा की भी इच्छा होती, उसके इच्छा के अनुसार चलना आना चाहिए। सब लोग कहेंगे डाई विल बी डन, फिर इस चर्च में जाकर बाहर आकर के फिर प्लानिंग शुरू। अपने यहाँ का जो सारा प्लानिंग चौपताया है उसका कारण यह, परमात्मा का प्लान पहले समझ लीजिए फिर आप प्लानिंग करिए। पहले आप आत्म साक्षात्कार ले लीजिए, पहले सोच लीजिए कि उसका क्या प्लान है, फिर उसमें फिट होइए, क्योंकि वो तो डायनामिक चीज है ना। इतना बड़ा प्रचंड कोई ऊपर से सारा प्लान कर रहा है, आप यहाँ चुटपुटे क्या प्लान कर रहे हैं? आपकी हस्ती ही क्या है जो किसी चीज का आप प्लानिंग करें? आप क्या जानते हैं कि आज सूरज की क्या दशा होगी? बहुत बार वेदर फोरकास्ट लंदन में आता है, हमको जब जाना होता है तो कभी भी सूरज नहीं छिपता आता ही है बात। हमारे सब लड़कों ने लिखा है
इफ माताजी इज कमिंग आउट ऑफ हर हाउस यू नीड नॉट सी द वेदर फोरकास्ट। सारे ग्रह गोल सब कुछ आपके हाथ में घूम सकते हैं, पर आप जानते हैं कि प्लानिंग क्या है उसकी। आप घर से निकले, रास्ते में मोटर फेल हो गई, सारा प्लानिंग फेल हो गया, आप बैठे रोते हुए, और प्रैक्टिकल भी नहीं होता। जैसे कि आपने प्लान किया कि सवेरे उठ करके और मैं 9 बजे की ट्रेन लूँगा और वहाँ से मैं वहाँ पहुँचूँगा, उनसे मिलूँगा, फिर उसके बाद वहाँ जाऊँगा, फिर उससे वहाँ मिलूँगा। पहले तो 9 बजे आप उठेंगे ही नहीं, उठे तो आपको बस मिलेगी ही नहीं तो बरसात होकर के आपके सारे कपड़े भीग जाएंगे, आप तो घर जाना। फिर किसी तरह से मिल गया, आप उस आदमी के पास पहुँचे, उस आदमी से सब गड़बड़ मामला हो जाएगा, क्योंकि आप देर से पहुँचेंगे, क्योंकि वो भी प्लानिंग कमीशन वाला होगा, वो भी सोचेगा कि मेरा सारा प्लान चौपट, और आप बड़े दुखी कि मेरा प्लान ही सब चौपट हो गया। जो आदमी फ्यूचर की सोचते रहता वो कभी आनंदी और सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आज यहाँ पर आनंद बढ़ रहा है और आप आगे की क्या सोच रहे, हर समय आगे की। और भाई आप उससे मिलने हैं, बात करो, आप आगे की सोच रहे, बात अभी की करो, उससे मिलने हैं कि आगे की सोच रहे। आदमी हमेशा एक टांग उठाए दौड़ रहा, उससे आप क्या आनंद की बात करेंगे, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो। एक परमात्मा के सिवा एक पत्ता भी संसार में नहीं मिल सकता। फर्क इतना ही है कि जब आप प्रेजेंट में खड़े होते हैं तो परमात्मा के चरणों में होते हैं, जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो उस महान सागर में एक आप बिंदु बन के डोलते रहते हैं, और आपको प्लानिंग की जरूरत है, उसके प्लान में आप बहते रहते हैं और उस आनंद को लूटते रहते हैं जो आपके अंदर से बहते हैं। प्लानिंग करने में दिमाग खराब करने वाले लोग बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, इतने ड्राई हो जाते हैं कि बगैर शराब पिए उनकी ड्राइनेस जाती है। इतना प्लानिंग कर कर के भी क्या किया, शराब के गुत्ते खोले, सुसाइड के इंतजाम करें। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि एक चीज अच्छी है लंदन में, क्या ऊंचे ऊंचे घर बन रहे हैं। मैंने कहा क्यों, कम से कम ऊपर से कूदेंगे तो डेफिनेटली मरेंगे। तो मैं कहती हूँ कि इन लोगों को सुबह से शाम अपने मरने ही की पड़ी हुई, कि हम कैसे मरेंगे, और हमको तो मरने का कोई व्यवस्था रखनी ही चाहिए। सारा प्लानिंग इसलिए कि मरना कैसे, क्योंकि जीने का प्लानिंग तो वो बनाता है, और तुम लोग रात दिन अपने मरने का प्लानिंग बनाते रहते। लेकिन कहने से नहीं होगा कि तुम भगवान पे छोड़ो। जिन्होंने कहा कि कर्मण्ये वा अधिकारस्ते फलेषु मा कदाचित्, कर्म करते रहो परमात्मा में छोड़ो, उन्होंने अच्छा आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि उनको मालूम था सीधे हाथ तो आप चलने वाले नहीं, तो सीधी सीधी बात बता दे कि प्लानिंग वानिंग छोड़ो, पार हो जाओ, उसके बाद ही आपके हाथ से जो कर्म होता है वो बहता है, अकर्म में आप हो ही जाते हैं, क्योंकि आप एक हॉलो पर्सनालिटी, आपके अंदर से जो भी काम होता है आप कहते हैं ये हो रहा है, ये जा रहा है, ये बन रहा है, आप ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं, मेरे हाथ से हो रहा है। वो दशा आनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने दूसरे ही चैप्टर में बता दिया था, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि फिर कर्मयोग बताओ। हाँ, कर्म जरूर करो, लेकिन फल परमात्मा पे रखो, वो हो ही नहीं सकता। एब्सर्ड बात कह करके बेवकूफ बनाया, क्योंकि बेवकूफ बनाए बगैर आप लोग ठिकाने नहीं आते। ये बात का स्टाइल है, जब बाप देखता है कि लड़का कोई बात नहीं सुनता तो क्या करता, जब अर्जुन को देखा कि इतना निजोकर है तो उन्होंने उल्टी बात को समझा करके उसको सीधा करने की कोशिश, जैसे कि सामने में आपका घोड़ा है तो ठीक है आप गाड़ी को हाँको, पर घोड़ा तो पीछे में है तो वो कहते हैं कि घोड़ा आगे लाओ। तो अर्जुन पूछता है कि तुम तो मुझसे कह रहे हो कि स्वयं को पालो, जान लो, और फिर मुझे युद्ध में जाने को कह रहे हो। तब ये समझ गए ये सीधी की नहीं है, क्या ही की है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम घोड़े को पीछे रह लो, मारते रहो इसको, लेकिन चित्त घोड़े पे रखो, हो ही नहीं सकता। ये लोग बहुत से मुझे आके कहते हैं
माँ हम तो सिर्फ कर्म करते हैं और फल भगवान से रहते। मैंने कहा बेटी कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम अपने ईगो से ही काम कर रहे हो। जब तक तुम पार नहीं हो गए, जब तक कुंडलिनी खेत करके ऊपर नहीं जाएगी, तब तक तुम्हारा ईगो हटेगा ही नहीं, तुम्हारा चित्त ईगो से ही परिवर्तित होगा। और इसलिए जब तुम उस गलत फहमी में हो तो बड़े गलत हो। कोई भी आदमी इस गलत फहमी में न रहे। कृष्ण ने ही कहा कि अतिकर्मी जो है बेकार है। बहुत ज्यादा मारो धार करने वाले लोग पार नहीं हो सकते, और बहुत ज्यादा आलसी भी पार नहीं हो सकते। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, बीचों बीच जाने की जरूरत है। और जहां लोग पार हो जाते हैं उस पर भी हर हालत लोग पार हो जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको अपने को बैलेंस करना पड़ता है। वो किस प्रकार बैलेंस होता है और किस तरह से उसको साधना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कल और परसों भारतीय विद्या भवन में बताऊंगी। आज मैंने जो भी इतना बता सकी, क्योंकि बहुत विशद है ये विषय, इतना बताया है। और जो भी मैंने बात बताई है उस बात का पड़ताला आप ले सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि मैंने बात जो बताई वो सही है या नहीं, या 16 आने सही है या नहीं। इसको बताने से मेरा कोई भी लाभ नहीं होने वाला, सिर्फ आपके लाभ के लिए और आपके साक्षात्कार के लिए बात बताई है। कि कभी कभी अगर कुंडली ऊपर न चाहे तो कोई घबराने की बात नहीं, कोई ना कोई दोष किसी प्रकार का आपके अंदर हो गया होगा, उसको कि हटाने की कोशिश की जाएगी और आप पार हो जाएंगे। अब फिर से थोड़े बहुत प्रश्न पूछे, बहुत ज़्यादा नहीं, कल आपने बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे इसलिए टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया था। थोड़ा प्रश्न पूछ, पार होने के लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं, मुश्किलें तो ये है ना। आप इस तरह से हाथ मेरी ओर करो, जिनको जाना हो वो जाए, जिनको पार होना हो वो बैठे। अगर अभी सेकंड शो सिनेमा जा रहे हो तो उसमें देर हो गई है।